और इसी बीचारे इस वक्त की बड़ी जानकारी से तमाम दर्शकों को रूबरू करवा दे। रांची से झारखंड आवास बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की। हरमो स्थित H25 प्लॉट पर बने बिल्डिंग को सील किया गया। मकान मालिक डॉक्टर अजय कुमार सिंह आवासीय परिसर का कमर्शियल यूज कर रहे थे। 400 से ज्यादा भवनों को आवास बोर्ड ने नोटिस इस बाबत जारी किया है। आवासीय परिसर का व्यावसायिक प्रयोग कर रहे लोगों पर बोर्ड लगातार अब कार्रवाई करता नजर आ रहा है और इसी कड़ी में झारखंड आवास बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरमो स्थित H25 प्लॉट पर बने बिल्डिंग को सील किया। मकान मालिक डॉक्टर अजय कुमार सिंह आवासीय परिसर का कमर्शियल यूज कर रहे थे। 400 से ज्यादा भवनों का आवास बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। आवासीय परिसर का व्यावसायिक प्रयोग कर रहे लोगों पर बोर्ड लगातार कार्रवाई करता नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों तक बता दें, झारखंड आवास बोर्ड को लेकर इस वक्त की अहम जानकारी। हरमू स्थित H25 प्लॉट पर बने बिल्डिंग को सील किया गया। मकान मालिक डॉक्टर अजय कुमार सिंह आवासीय परिसर का कमर्शियल यूज कर रहे थे। 400 से ज्यादा भवनों का आवास बोर्ड ने नोटिस जारी किया। आवासीय परिसर का व्यावसायिक प्रयोग कर रहे लोगों पर बोर्ड कार्रवाई कर रहा है। की है हरमू स्थित H25 प्लॉट पर बने बिल्डिंग को सील किया गया। मकान मालिक डॉक्टर अजय कुमार सिंह आवासीय परिसर का कमर्शियल यूज कर रहे थे। 400 से ज्यादा भवनों का आवास बोर्ड ने इस बाबत नोटिस जारी किया। आवासीय परिसर का व्यावसायिक प्रयोग कर रहे लोगों पर बोर्ड लगातार अब कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। विंध्याचल एकेडमी के डायरेक्टर से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। ये हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन है और हमें कुछ भी नहीं मालूम था कि मकान मालिक को नोटिस मिला है, क्या मिला है। दो दिन पहले वो हमारे पास आए थे और वो हमसे मिले, हमारा चेक वगैरह भी मकान रेंट कर लेके गए, लेकिन कुछ भी नहीं बताया। अचानक जो है सो एक डेढ़ घंटा पहले लोग आए और बोले कि हम लोग सील कर रहे हैं, आपको आधा घंटे का टाइम दिया जा रहा है, जितना खाली कर सकते हैं कीजिए। तो अब इसको जो है हम लोग 2008 से मैंने ले रखा था, तो 2008 से लेके 2024 में जितने भी सामान हमारे थे वो सब के सब ऊपर ही छूट गए हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए जो बेंच वगैरह है वो सब ऊपर ही रह गया है, बुक्स अलमीरा सब ऊपर ही रह गया। जितना हम लोग सामान निकाल पाए उतना निकाले हैं और अभी देखते हैं कि फिर कहाँ लेके जाएंगे। बरसात का मौसम है, अब सामान कहाँ लेके जाएंगे ये भी एक इशू है, देखते हैं भगवान की क्या मर्जी। ये आपको पहले से जानकारी थी कि यह जो मकान है वो हाउसिंग बोर्ड की है? हाउसिंग बोर्ड की है ये तो जानकारी थी, लेकिन मकान मालिक बोले थे कि हम मैनेज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और हमने चूंकि 2008 में ही लिया था, तो 2008 में लिया था तो उस टाइम में इस तरह की कोई बात नहीं थी। बाद में बात आया तो उन्होंने बोला कि हम मैनेज करेंगे, तो अब यही है कि ये डॉक्टर कुमार जो है वो ओनर है बिल्डिंग के ओनर है। उनसे आपकी बातचीत हुई जब ये सब होने के बाद? हाँ, मैंने बोला, फिर उन्होंने बात किया, फिर बाद में फोन काट दिया उन्होंने, फिर स्विच ऑफ कर दिया उन्होंने फोन। तो वो भी सरेंडर कर दे, वो भी साथ नहीं दे? नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे में जो बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उनका तो भविष्य खराब होगा, उनका भविष्य खराब होगा।
और सबसे बड़ी चीज है कि ऑल ऑफ सडन हुआ ना, जैसे अगर हम लोग को एक दिन का भी समय मिल जाता है तो एक दिन में भी हम लोग काफी कुछ अरेंज कर लेते हैं, लेकिन एकदम ऑल ऑफ सडन हुआ ये। मकान मालिक को जो नोटिस भेजा जा रहा था वो आपको जानकारी में नहीं थी, मकान मालिक ने आपको ऐसा कुछ नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पीके तिवारी, विंध्याचल अकेडमी का मैं डायरेक्टर हूँ। रांची का ये मामला जहां पर झारखंड आवास बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की, हरमू स्थित H25 प्लॉट पर बने बिल्डिंग को सील किया गया। मकान मालिक डॉक्टर अजय कुमार सिंह आवासीय परिसर का कमर्शियल यूज कर रहे थे। 400 से ज्यादा भवनों का आवास बोर्ड ने नोटिस जारी किया है और आवासीय परिसर का व्यवसायिक प्रयोग कर रहे लोगों पर अब बोर्ड कार्रवाई करता भी नजर आ रहा है। पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता चित्रंजन लाइव जुड़ चुके हैं। चित्रंजन, झारखंड आवास बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की है, इस खबर को डिटेल में बताएं। देखिए लोकेश, राज्य भर के हाउसिंग बोर्ड की जमीनों पर बने मकानों का जो आवंटन किया गया था उस आवंटन का गलत यूज कर रहे हैं ऐसे मालिकों जो मकान है उस पर आवास बोर्ड की एक बड़ी कार्रवाई वो हुई है। देखिए आवास बोर्ड की जमीन मकान है उस पर जो है अजय कुमार सिंह जो इसके मालिक है उनको यह आवास जो है वो आवंटित की गई थी, लेकिन इस आवास बोर्ड की जमीन पर जो है वो जो है व्यवसायिक इसका यूज किया जा रहा था, जो विंध्याचल एकेडमी है उसे चलाया जा रहा था, जिसको लेकर आवास बोर्ड के तरफ से पिछले दो बार जो है दो नोटिस किया गया था, लेकिन इन नोटिसों का जवाब जो है वो नहीं दिया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं लोकेश, डॉक्टर कुमार अजय सिंह जो है वो इस बात का जो नोटिस इनको दिया गया था उसकी जानकारी भी विंध्याचल एकेडमी को नहीं दी गई थी कि इस तरह का कोई नोटिस जो है वो अजय कुमार सिंह या इस मकान के नाम पर आ रहा है। देखिए H25 आवास जो है वो है और इस मकान को सील कर दिया गया आवास बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि दो दो नोटिस जो है वो दिया गया था, लेकिन उस नोटिस का जवाब जो है अजय सिंह जो है उनके तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया था, जिसके बाद हाउसिंग बोर्ड की यह बड़ी कार्रवाई है। सिर्फ देखिए सिर्फ अजय कुमार सिंह की ही जो है घर को सिर्फ नोटिस नहीं किया गया है आवास बोर्ड के तरफ से कि इस तरह की जितने भी आवास बोर्ड के जमीन पे बने मकानों पर जो व्यवसायिक यूज हो रहा है उस सभी तमाम जो है मकानों को नोटिस किया गया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय चल रहा उसकी बात हो या आजसू की बात हो या फिर जेएमएम की बात हो, इन तमाम जो राजनीतिक कार्यालय हैं उनको भी नोटिस दिया गया है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऐसे मकान हाउसिंग बोर्ड के मकानों पर जो है व्यवसायिक प्रयोग हो रहा है उन सभी मकानों को नोटिस किया गया है नोटिस दिया गया है। वहीं विंध्याचल एकेडमी जिस पर चल रहा था उस पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है, कार्रवाई के साथ ही जो हाउसिंग बोर्ड पर जो व्यवसायिक जो प्रयोग हो रहे थे उनके बीच जरूर खलबली मची हुई है कि उन पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि देखिए हाउसिंग बोर्ड की एक बड़ी कार्रवाई के रूप में जो है वो इसे माना जा रहा है, क्योंकि इसके साथ साथ राजनीतिक गलियारे में भी कई तरह की चर्चाएं हैं, क्योंकि आवास बोर्ड के तरफ से जो पहले हम लोगों ने खबर चलाई थी कि जो आवास बोर्ड की जमीन पर जो बना है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मुख्यालय जहां से चल रहा है वो दो प्लॉटों को के जो मालिक है जिनको आवंटित किया गया था उनको भी नोटिस दिया गया है। तो ऐसे तमाम जो व्यवसायिक प्रयोग कर रहे हैं आवास बोर्ड की जमीन पर उनको नोटिस किया गया है। और देखिए ये बड़ी कार्रवाई है, जो यहाँ पे एकेडमी चल रहा था उसको बंद कर दिया गया है। हालांकि देखिए फिर से हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं जो विंध्याचल एकेडमी के डायरेक्टर हैं। एक होटल भी उसमें चल रहा था, होटल ऑक्सी होटल। देखिए लोकेश एक होटल भी चल रहा था, अपने सहयोगी अरविंद से कहेंगे अरविंद थोड़ा दिखाई दे, ऑक्सी होटल जो है वो चल रहा था। तो पूरे तरह से इस बिल्डिंग का कॉमर्शियल यूज किया जा रहा था जिस पर जो है कार्रवाई हुई है, क्योंकि देखिए आप लोकेश जब भी आवास बोर्ड की इस तरह की जमीन या आवास जब आपका आवंटन होता है तो उस पर आप व्यवसायिक यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखिए इस पूरे मकान पर ही व्यवसायिक यूज चल रहा था। यहाँ चित्रंजन जिस तरह से प्लॉट का नियम के अनुसार कार्रवाई की गई है, क्या प्लॉट का जो आवंटन है वो रद्द भी किया जाएगा?
बिल्कुल देखिए लोकेश, इसके बाद आवास बोर्ड के तरफ से कार्रवाई है, क्योंकि देखिए सील किया गया है और उनके तरफ से कोई जवाब जो है अब तक नहीं दी गई है आवास बोर्ड को, कि जो इस पूरे मामले पर जब उनसे जवाब मांगा गया कि आप कॉमर्शियल इसका यूज कर रहे हैं जबकि आपको कॉमर्शियल इसका यूज करने की अनुमति नहीं है, तो ऐसे में इसका जवाब जो है उन अजय कुमार सिंह के तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। हाँ, लेकिन एक बड़ी जानकारी जो एकेडमी के डायरेक्टर उन्होंने दी कि इसकी जानकारी भी एकेडमी को नहीं बताई गई थी, ना ही होटल मालिक को बताया गया था कि इस तरीके से जो है आवास बोर्ड के तरफ से कोई नोटिस जो है मकान मालिक को आया है। इनको इस बात की भनक भी नहीं थी कि अचानक ऐसे जो पिछले आठ वर्षों से एकेडमी चल रही थी उसको इस तरीके से बंद करना पड़ेगा, उनको सामान जो है सड़कों पर आ जाएगा। देखिए एकेडमी बंद होने के बाद इनका सामान जो है बिखरा पड़ा हुआ है, ये अपने सामानों को समेट रहे, क्योंकि दो दो नोटिस आवास बोर्ड के तरफ से दिया गया लेकिन मकान मालिक ने जो है वो इस बात की जानकारी नहीं दी इनको, जो एकेडमी के डायरेक्टर है उनको, उनसे भी छिपाया गया कि इस पूरे मामले को इनको भी छिपाया गया। क्या बोल रहे दो दिन पहले मकान मालिक आए हैं लेकिन कुछ भी उन्होंने नहीं बताया, और अभी जैसे बच्चे जो है उनको भी नहीं मालूम है और उनकी एग्जाम्स वगैरह भी हैं, तो सब लोग अफेक्टेड हैं इसमें। दो दिन पहले आके आपसे भुगतान भी लिया? दो दिन पहले आए, कुछ भी उन्होंने नहीं बताया, जस्ट आधा घंटा पहले एक घंटा पहले मालूम चला और 20 मिनट के अंदर सारा सामान निकाला। फोन किए तो उनके तरफ से क्या जवाब आया, रिप्लाई है? फोन किया तो बोला कि हमको मालूम चला है और हम कोशिश कर रहे हैं, बाद में फिर दोबारा फोन किए तो उनका मोबाइल ऑफ मिला। दो दिन पहले जब आए थे तो आपसे वो जो मंथली जो है वो भी लिया? हाँ, अपना जो रेंट है वो उन्होंने लिया। लोकेश देखिए, जो मकान मालिक है वो दो दिन पहले इनसे जो किराया है वो लिए हैं, लेकिन नोटिस की जानकारी इनको उस समय भी उन्होंने नहीं दी, और अचानक जब इनके आवास बोर्ड के अधिकारी जब पहुंचे, जब इन्होंने उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा कि जानकारी है मुझे, आपसे हम बाद में बात करते हैं, बोल के उनका फोन कट हो जाता है और फोन भी स्विच ऑफ कर लेते हैं। तो देखिए, जो मालिक है उनको पूरी जानकारी थी लेकिन अपना जो उन्होंने किराए का पैसा था वो दो दिन पहले आके इनसे जरूर ले लिया। लोकेश, अगर झारखंड में रहते हो और अपने घर में कोई व्यवसाय काम कर रहे हैं तो आपको भी सचेत रहने की जरूरत